नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर कन्फेशन रूम में साथ पहुंचे अभिषेक कुमार और अंकिता लोखंडे। ईशा मालवी के पार्शियलिटी के बाद अंकिता लोखंडे ने ईशा मालवी के खिलाफ जाकर अभिषेक कुमार का साथ दिया और बिग बॉस के मेकर्स के सामने दी सबसे बड़ी गवाही, जिसके बाद यहां पर बिग बॉस ने पलटा ऐसा खेल कि ईशा चारों खाने हो गई चित। ईशा का जो घमंड है पूरी तरह से टूट गया। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या किया बिग बॉस के मेकर्स ने और किस तरह से गवाही दी अंकिता ने अभिषेक कुमार को। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर इस वीकेंड के मतलब वार से पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, और वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद ईशा मालवी का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर चला गया है। और ईशा मालवी पहले ऐश्वर्या शर्मा का अनफेयर इविक्शन करवाती है, इसके बाद अनफेयर रैंकिंग कर देती है जिसमें अंकिता दूसरे नंबर से अंकिता को चौथे नंबर पर डाल देती है, जबकि ऑडियंस ये जानती थी, मानती थी कि अंकिता चौथे नंबर पर तो डिजर्व करती नहीं, वो दूसरा नंबर बेटर पोजीशन जो है वो डिजर्व करती है। अब इसके बाद नॉमिनेशन टास्क में भी अभिषेक कुमार के साथ पार्शियलिटी करती है और अभिषेक कुमार फोन सबसे पहले पकड़ते हैं, लेकिन ईशा मालवी जो है वो कहती है कि अभिषेक ने पहले पकड़ा नहीं फोन बल्कि समर्थ ने पकड़ा। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, यहां पर अभिषेक कुमार का दिल जो है बहुत ज्यादा टूट गया। अभिषेक कुमार जो है रोते बिलखते हुए नजर आए, जिसके बाद अभिषेक कुमार को कन्फेशन रूम में बुलाया गया। अभिषेक कुमार के साथ साथ अंकिता भी कन्फेशन रूम में पहुंची और साथ ही साथ अंकिता ने कहा कि यहां पर सही और गलत की बात होती है, तो यहां पर मैं हमेशा से सही का साथ देती आई हूं और आज भी मैं सही का साथ दूंगी। और ईशा मालवी जो कर रही है मेरे साथ उसने किया, और यहां पर जो ऐश्वर्या के साथ किया, और अभी तो अभिषेक कुमार के साथ भी कर रही है। और मैंने आंखों देखी, मैंने देखा था कि अभिषेक कुमार जो है फोन तक सबसे पहले पहुंचे थे और फोन को उन्होंने पहले उठाया था, और उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए था कि यहां पर किस तरह से मतलब किस तरह से जो है वो नॉमिनेट मतलब उनके पास जो है नॉमिनेशन का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन समर्थ को उन्होंने जिता दिया। आपको बताना चाहते हैं इसके बाद यहां पर बिग बॉस ने सारी की सारी बातें अभिषेक की भी सुनी, सारी की सारी बातें अंकिता की भी सुनी, और यहां बिग बॉस के मेकर जो है अनुराग को शो से बाहर निकालना चाहते थे, ऐश्वर्या को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, और ऐश्वर्या के मतलब ऐश्वर्या को बाहर निकालकर ईशा जो है बिग बॉस के मेकर्स के भी खिलाफ हो गई। अब बिग बॉस के मेकर्स को कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज जो है वो की है। अब आपको बताते हैं दोस्तों वो क्या किया है। तो आपको बताना चाहते हैं, ईशा मालवी का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है और ईशा मालवी को डायरेक्ट नॉमिनेट किया है अगले हफ्ते के लिए अंकिता। और यहाँ पर अभिषेक ने ये बड़ा झटका दिया है ईशा मालवीय को, और ईशा मालवीय के तो तोते पूरी तरह से उड़ने वाले हैं, और इस हफ्ते तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले हफ्ते वो बच जाएंगे, अगले हफ्ते वो डायरेक्ट नॉमिनेट होती हैं नील भट्ट के साथ। अगर नील भट्ट इस हफ्ते सेफ रहते हैं तो उनके साथ वो डायरेक्ट नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर से। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत ज्यादा घमंड तकब्बुर भर चुका था ईशा मालवी के दिल और दिमाग में, लेकिन वो तकब्बुर टूटते देर नहीं लगता है। और ये बिग बॉस का घर है और यहां पर घमंड का टूटना तो आम है, और ये घमंड ईशा मालवी जो लेके चल रही हैं वो घमंड तो टूटना ही था। जी हाँ, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।